अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बियाबानी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। एमएलए मुमताज़ खान साहब ने किया सुल्तानशाही का दौरा और ज़रूरी हिदायत पेश किए तरक्याती कामों के लिए। सुल्तानशाही वाल्मीकि नगर दूधखाना में सीवेज ड्रेनेज पानी के मुतालिक आवाम को दिलासा दिया। मुमताज़ खान साहब के साथ DGM, एरिया प्रेसिडेंट, सीनियर पार्टी वर्कर विजय मंगवाना और खादर साहब भी मौजूद थे और दिगर एक्टिव वर्कर्स AIMIM के साथ यहाँ का दौरा किया गया। टुडे MLA मुमताज़ खान है विजिटेड सुल्तानशाही वाल्मीकि नगर फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ डेवलपमेंट वर्क, वाटर वर्क्स एंड ड्रेनेज पाइपलाइंस। ही इंस्ट्रक्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन। ऑन दिस ओकेशन GM खादर साहब, DGM एंड एरिया सीनियर पार्टी वर्कर विजय मंगवाना एंड ऑल माइनर यूनिट फॉर प्रेजेंट। ब्यूरो रिपोर्ट फ्रॉम सीनियर रिपोर्टर सैयद इस्माइल, बियाबानी न्यूज़। इस तरह की खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जजाकल्ला। उधर जाने नहीं, अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वो डेप्थ अगर मिलाएंगे तो फ्यूचर में अगर ये गलियां भी डालना है तो अपन ये गलियों का इंस्ट्रूमेंट बना के डालेंगे। क्या है, 9 फीट मिलता है, 6 फीट है, 9 फीट का रहता है, फ्लोर अच्छा मिलता। सुनो साफ बोले, वो पीछे नाले में नहीं मिला देते, वो एक झगड़े का घर होता जो, वो झगड़े लड़ने दे रहेंगे क्या? अपने काम होना है, बस्ती की तकलीफ दूर होना है अपने को, जहाँ तक भी हो रहा हो दो। अगर काम और मजीद अगर जरूरत पड़ेंगे तो दूसरा एस्टिमेट बनाइए, अभी बनाइए, अभी विजय अभी बनाना है एस्टिमेट, जहाँ तक भी लेन तारी आके आगे तक ये जो भी बैलेंस अगर डालना है तुम्हारे को तो अभी इंस्ट्रूमेंट बना के करे तो होता। ये पढ़ के बाद फिर इंस्ट्रूमेंट बनेगा, जाना बोले तो नहीं होता, टाइम खराब होता। बनो फिर महीने दो महीने में सैंक्शन हुआ था कि गलियां जो भी है ये तलवा देने को होता। अपने टेप लगा के नाप दिया तो कहा तो सारा मालूम हो जाता, पूरे बाद इंस्ट्रूमेंट बनाना बोले तो लंबा हो जाता। अभी पूरा गंदा पानी पड़ा था, सबने चालू होती ना तो 150 घरों के अंदर गंदा पानी आता। वाल्मीकि नगर दूधखाना के अंदर 4,90,000 रुपये के सीवर लाइन के काम की मंजूरी अमल में आई और ये काम अभी आज इसके काम की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर हमारे मुतालिका GM कादर मोहिद्दीन साहब, नवीन मैनेजर और हमारे इस बस्ती के जो भी दीगर हजरात हैं, हमारे विजय साहब, शरदाना और बस्ती के तमाम नौजवान और बुजुर्ग और हमारी माँ और बहनें यहाँ पर हैं। ये जो भी यहाँ पर सीवर लाइन की काफ़ी तकलीफ थी, काफ़ी अरसे से ये काम मंजूर करवाया गया, इससे हटकर भी और थोड़ा सा काम यहाँ पर बाकी है बाई लेंस का। और अभी सामने की गली के अंदर मैं जहाँ खड़े रहकर ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, उस गली में वाटर लाइन भी नहीं है। मैं वाटर लाइन के एस्टिमेट के लिए भी बोला, इंशाल्लाह ताला वाटर लाइन और मजीद जो सीवर के जो काम बाकी हैं वो भी एस्टिमेट बना के जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। मेरी इस महल्ले के तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के रहने दीजिए, वाटर लाइन के रहने दीजिए, सीवर के रहने दीजिए, या स्टॉर्म वाटर ड्रेन के या सड़कों के, आप उन तक रुझू करें, क्योंकि आपके महल्ले के जो विजय साहब हैं, तारजन पहलवान, दोनों तकरीबन रात और दिन आपके बस्ती के कामों के लिए
रात और दिन कोशिश करते रहते हैं और तकरीबन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरे ऑफिस पे रोज़ आना 2-4 घंटे बैठते हैं। आप जो भी आपके तकलीफ है आप तार्जन को और विजय साहब को आप उनको कहिए, इंशाल्लाह ताला आपके तमाम काम मंजूर करवा दिए जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रात और दिन काम करके अवाम के मसाइल को हल करवाने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रही है। मेरी अदमन आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहकर आने वाले दिनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत और मुस्तकम करें। शुक्रिया।